हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कर रहे हैं जनरल एंटीज का सम सॉल्व, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड को भी है, एमबीए वाले को भी है, सबको है ना। तो जनरल एंटीज कैसे एक बेसिक रहता है, तो ये आना चाहिए। तो कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन लिखा हूँ, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया है, ये कभी भी आप लोग सम सॉल्व करेंगे ना जनरल एंटीज का, तो आपको इसमें खुद का बिजनेस समझ लेंगे। तो इधर बोला संजय ने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब अपना अपन संजय है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैश डाला, कितना डाला 70,000। तो हमने बिजनेस में 70,000 डाला, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है 70। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और बिजनेस में कुछ भी डालेंगे ना तो उसको कैपिटल बोलते हैं। जैसे अगर मेरी चाय की दुकान में ग्लास खरीदा तो भी कैपिटल हो गया, अगर मेरा कोई क्लासेस है मैं बेंच डाला तो भी मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो फिर एंट्री कैसे बनेगी इसकी, मतलब में क्या अपना एंट्री कैसे बनेगा, तो बिजनेस में आ रहा है तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इधर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में जो भी डालेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल, क्या बोलेंगे कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना डाला 70,000, इधर लिखेंगे 70,000 डेबिट, 17,000 क्रेडिट। फिर इसका आपको नरेशन देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, तो नरेशन तुमको ना बींग से स्टार्ट करना है, बींग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये उठा के लाइन डाल देंगे ना, बींग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला, रेंट पेड, क्या बोला, कितना रेंट पे किया 5,000। पेड का मतलब होता है कि पैसा दिया, पेड का मतलब क्या होता है, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। और देखो कभी भी पैसा आया ना तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। तो ये वाले ट्रांजेक्शन में हमने पेड किया है, मतलब हमारा पेमेंट हो रहा है, हम पैसा दे रहे, तो पैसा जा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कैश को क्रेडिट करूँगा, कैश को क्या करूँगा। पर कैश क्यों दिया मैंने, रेंट के लिए, तो रेंट खर्चा होता है, तो खर्चों को डेबिट करेंगे, खर्चों को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट है क्योंकि वो आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, रेंट टू कैश, क्योंकि कैश गया, कितना कैश गया 5,000, तो 5,000 क्या होएगा डेबिट होएगा और 5,000 क्या होएगा क्रेडिट, बींग कैश पेड, बींग रेंट पेड, क्या लिखेंगे बींग। फिर इसके बाद क्या बोला, विड्रू, विड्रू मतलब निकाला, क्या निकाला, कैश निकाला, कहाँ से निकाला, बैंक, कौन सा यूज बोला है, ऑफिस। अगर पर्सनल यूज बोला रहेगा तो ड्रॉइंग होता है, पर्सनल बोला तो खुद का पैसा, पर खुद के लिए नहीं निकाला, बिजनेस के लिए निकाला, तो हमने पैसा बैंक से निकाला। तो जब भी बैंक से निकालेंगे तो पैसा आ रहा है अपने पास, क्योंकि हमने बैंक से पैसा निकाला ना, तो कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो बैंक दे रहा है, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, पैसा आया डेबिट और बैंक ने दिया क्रेडिट, है ना। कितना पैसा निकाला 10,000, तो कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि पैसा आया तो डेबिट हुआ और बैंक ने दिया तो क्या हुआ क्रेडिट हुआ, सिंपल। इधर बोला पेड वाइफ्स मोबाइल बिल 4,000, पेड मतलब पैसा दिया, पेड बोले तो टू कैश होएगा, सिंपल। पर हमने क्या बिल भरा, वाइफ का बिल भरा, वाइफ तो घर की है ना, तो मतलब हमने खुद का घर पे खर्चा किया, तो घर के खर्चे को बोलते हैं ड्रॉइंग, क्या बोलते हैं ड्रॉइंग, पर्सनल एक्सपेंस हुआ। तो मैंने क्या बोला था, कैपिटल क्रेडिट होता है, कैपिटल क्या होता है credit. तो ड्रॉइंग डेबिट होएगा, ड्रॉइंग क्या होएगा डेबिट, ड्रॉइंग क्या होएगा डेबिट, तो क्योंकि ये घर का खर्चा है 4,200। इस तरह घर के खर्चों को क्या लिखने का, ड्रॉइंग लिखने का, क्या लिखने का ड्रॉइंग। फिर बोला परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, परचेस मतलब माल खरीदा, किससे खरीदा सुनील, तो कभी भी परचेस आएगा ना मतलब खरीदा, तो माल आ रहा है, तो परचेस हमेशा डेबिट होता है, याद रखना परचेस क्या होता है डेबिट। अगर परचेस डेबिट होता है तो सेल्स क्रेडिट होगा, तो ये माल आया किससे खरीदा सुनील, तो परचेस बोले तो माल आया और सुनील दे रहा है, तो सुनील को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, सुनील को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो कितने का माल खरीदा 13,000 का, तो परचेस को डेबिट किया और सुनील को क्रेडिट किया। परचेस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि माल आ रहा है, और सुनील को क्यों, क्योंकि वो दे रहा है, गिवर है ना। फिर बोला है रिसीव कमीशन, देखो पेड मतलब पैसा जाता है, रिसीव मतलब पैसा आता है, तो इधर लिखेंगे कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे पैसा आया, तो पैसा क्यों आया, क्योंकि हमको क्या मिला है कमीशन, तो कमीशन अभी इनकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनकम, तो इनकम को आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, इनकम को कहाँ लिखना पड़ेगा। देखो ना इधर जैसे हमने रेंट पे किया था, क्या पे किया था रेंट पे, तो पैसा गया और क्यों गया, क्योंकि रेंट पे किया, रेंट खर्चा होता है। अब इधर पैसा गया नहीं, पैसा मेरे पास आ रहा है, क्यों आ रहा है कमीशन आ रहा है, तो अगर एक्सपेंस रहेगा ना खर्चा, तो खर्चों को डेबिट कर देगा खर्चे को, और इनकम रहेगा ना, इनकम क्या रहेगा रिसीप्ट, उसको क्रेडिट करने का, खर्चों को डेबिट इनकम को क्रेडिट। तो रिसीव कमीशन मतलब पैसा आया, क्यों आया कमीशन के बेस पे आया, 4,500, कितना हजार
साढ़े चार हज़ार इधर, 4,500 इधर। फिर जनरल का क्या ले लेना, टोटल ले लेना। ये तुम्हारा जनरल का बेसिक सम हो गया। क्या हो गया? बेसिक। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है, आप लोग ध्यान दे देना।